आज जो देखेंगे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एंशिएंट में चलेंगे। एंशिएंट में सबसे पहले वर्ल्ड में जो एटम के बारे में बोला गया था वह बोले थे महर्षि कनाद ने। कब? तो अप्रॉक्स 583 BC। यानी कि देखिए 583 बीसी बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स अभी का डेट है आपका 2020 प्लस आपका 583, यानी कि टोटल आपका हो गया 2603। यानी कि इतना इयर्स जो है आपका एगो पहले बोला गया था। कौन बोले थे? वह महर्षि कनाद कहाँ के रहने वाले थे? तो वह इंडियन फिलोसफर थे। उन्होंने सबसे पहला बोला था कि जितना भी आपका वस्तु है, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वह सारा का सारा वस्तु जो है वह परम अणु से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। ठीक है, उससे भी पहले हम लोग के जो थिंकर थे उन्होंने बोला था कि यह जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, यानी 5 एलिमेंट्स से। ठीक है, कौन कौन? आपका जल, वायु, ठीक है, आकाश, ठीक है, फिर धरती, और उसके बाद अग्नि। इस 5 एलिमेंट को से ही हमारा यह नश्वर शरीर बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है परम अणु के बारे में जो महर्षि कनाद बोले थे, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि छोटे कणों से वस्तु बना हुआ है, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने परमाणु के बारे में यह चीज नहीं बताया था कि इस परमाणु को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो जेन्युइन डिफिनेशन दिया गया था वह दिया था सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि एक ऐसा छोटा पार्ट, किसी भी मैटर का ऐसा छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, उसको हम लोग एटॉम बोलते हैं। वही डाल्टन का यह जेन्युइन डिफिनेशन, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटॉम ही पार्टिसिपेट करता है। अब आप लोग का कहना होगा कि सर एटॉम तो नहीं, एटॉम के बदले तो इलेक्ट्रॉन किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वह एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है किसका? एटॉम का। तो हम लोग जेन्युइन बोल सकते हैं कि वह एटॉम ही पार्टिसिपेट करता है किसमें? तो केमिकल रिएक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि कुछ हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, इन एंशियंट पीरियड टोल्ड बाय इंडियन फिलोसफर दैट आवर बॉडी is made by 5 elements named as water, air, sky, fog and fire.
After that, in approx 583 BC, the first philosopher Maharshi Kana who told about atom his theory is theory was that all matters is made by a smallest particle which is not divided called Parmanu, that is Param Anu. In English, called atom. देखिए कि एंशियंट पीरियड में जो कहा गया किसके द्वारा, तो इंडियन फिलोसफर के द्वारा क्या कहा गया कि आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी जो है इज मेड बाय, बना हुआ है किसके द्वारा, तो फाइव एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है। क्या क्या वह फाइव एलिमेंट्स कौन कौन है? वाटर है, एयर है, स्काई है, सॉयल है एंड फायर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन अप्रोक्स कब, 583 बीसी, यानी कि 583 बीसी में हम लोग को जो फर्स्ट फिलोसफर थे, क्या नाम था इनका, महर्षि कनाद जो थे, इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले फर्स्ट फिलोसफर कौन थे, महर्षि कनाद। उन्होंने ही बोला, किसके बारे में बोला, एटोम के बारे में बोला। उनका थ्योरी क्या था कि ऑल मैटर इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट डिवाइडेड, जो कि डिवाइडेड नहीं हो वह क्या कहलाया, परमाणु कहलाया, दैट इज परम अणु कहलाया। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एटोम बोलते हैं। देखिए कि उसी पीरियड में, ड्यूरिंग सेम पीरियड, during same period में हम लोग क्या देखे हैं, एक फिलोसफर थे, एक अनदर फिलोसफर थे, अनदर फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर नेम क्या था कि पकुधा कात्यायमा, ठीक है, पकुधा कात्यायमा, हु सजेस्ट अ थ्योरी which is as follows, ठीक है। क्या
था इनका थ्योरी कि थ्योरी था कि द एटम्स मे नॉट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट but they exist in combined state called molecules or compound। यहां पे देखिएगा नाम क्या था उनका, पकुधा कात्यायनः, ठीक है। सेम पीरियड में यानी महर्षि कनाद के बोलने के बाद उसी पीरियड में एक अनदर इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम पकुधा कात्यायनः था, जिन्होंने सजेस्ट किया, एक थ्योरी सजेस्ट किया जो कि वह एक्सप्लोज है। क्या है थ्योरी? कि द एटम्स मे नॉट एग्जिस्ट, वह एटम जो होता है वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, किसमें? इन फ्री स्टेट में, ठीक है। लेकिन दे एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कब कर सकता है? कि इन कम्बाइन स्टेट, वह कम्बाइन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। और इसी कम्बाइन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुल्स बोलते हैं और कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? अब जो हम लोग देखेंगे इस सारे का हम लोग रिजल्ट देखने वाले हैं, तो रिजल्ट क्या है देखिएगा। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हम लोग का आ गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच मे बी एटम्स और मोलिकुल्स एट different kinds of matter or matter contain different types of atoms or molecules। यानी क्या है कि डिफरेंट काइंड का जो मेटल का जो है, यानी डिफरेंट मेटल जो होगा वो डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होगा, ठीक है। विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी therefore different kinds of matter have different property। यानी कि हम लोग का जो रिजल्ट सामने आया अभी के थ्योरी में, हिस्ट्रिकल जो फैक्ट था
इसमें जो जो थ्योरी पढ़े, इस थ्योरी के अनुसार मैटर जो बना हुआ है वह स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, वह क्या हो सकता है, विच में भी एटॉम भी हो सकता है और वह क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एक चीज। या दूसरा क्या कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो होता है वह कंटेन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम या मॉलिक्यूल्स को वह कंटेन करता है, जिसके पास क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। जैसे वाटर ले लिए और दूसरा कोई अदर सुगर ले लिए, दोनों जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है और दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, वह अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो मैटर होता है वो उसके पास कैसा होता है, ये तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो इतना सा हम लोग या देखे रिजल्ट अभी तक का कंक्लूजन, हम लोग का यही कंक्लूजन सामने आया है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक चीज जानते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है वह बनाता है प्रोडक्ट को, हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट जो है बनाता है किसको, प्रोडक्ट को। तो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाएगा तो कुछ सर्टेन रूल को वह फॉलो करेगा, कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट दे फॉलो सम रूल्स और लॉज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दे आर एज फॉलोज, फर्स्ट नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड नंबर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन एंड थर्ड नंबर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक और है लॉ ऑफ फोर्थ नंबर जो है वह आपका है मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यह देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मूल कॉन्सेप्ट, इसका थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं कि इसमें रिएक्टेंट का जितना मास होगा वही आपका प्रोडक्ट का मास होता है, तो यानी कि दोनों इक्वल, यानी कहने का मतलब जो है मास कैन नेवर बी चेंज, मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यह सारा चीज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखेंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में देखेंगे कि जो वाटर बनने का अगर जो भी तरीका है, जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके इंडिया में अगर वाटर बना है तो अमेरिका में भी वही दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, चाहे हम लोग मंगल ग्रह पे भी चले जाए तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके ही वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यह सारा चीज हम लोग कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ने वाले हैं
करते हैं, जैसे एक कार्बन जो है ऑक्सीजन दो अलग अलग ऑक्सीजन से अगर वह रिएक्ट करता है, दैट मीन्स अगर दो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, अगर एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वह जो होगा किससे होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और दोनों का जो रेशियो होगा वह देखेंगे कि सिंपल रेशियो में आपका होता है। फिर आता है तो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यह है कि वह नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन आपका मोलिकुल्स यानी रिएक्टेंट में जो है वह हाउ मच एटम जो है वह प्रेजेंट है, हाउ मच मोल प्रेजेंट है, यह सारा चीज जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे आज के कहानी।